भाई कल शाम से ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और रात को भी हल्की फुल्की बारिश चली हुई थी। अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं तो अभी मौसम मतलब साफ़ हो गया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी मौसम धीरे धीरे खुल रहा है। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए, मेरा नाम है आकाश राणा और आप देख रहे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश माउंटेन व्यू ऑफ पार्वती वैली चैनल को। तो आज मैं आपको एक नया घर दिखाने वाला हूँ जो अभी बन के तैयार हो रहा है। अभी पूरा तैयार तो नहीं हुआ है पर वैसे आप तो बोलेंगे अभी तो एक घर ही है फ़िलहाल, मेरे लिए वो एक पैकिंग हाउस है। तो आप बोलेंगे यार पैकिंग हाउस क्या मतलब, कुछ समझे नहीं। हिमाचल प्रदेश में बहुत से बागवान हैं, यहाँ सेब है, कोई नाशपाती है, कोई प्लम है, मतलब फ्रूट हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उसे पैकिंग करने के लिए मतलब हमें सड़क में टेंट लगाना पड़ता है या बगीचे में टेंट लगाना पड़ता है या घर पहुंचाने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने सड़क में ही एक पैकिंग हाउस तैयार कर रहे हैं। तो मैं सोचा चलो यार आपको ही दिखा दें कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ों में किस तरह से घर बनाए जाते हैं। और मेरे यहाँ तो लेंटर बन रहा है, मतलब हॉल बना रहे हैं हम एक पैकिंग हाउस के लिए स्पेशली। चलिए यार आपको दिखा देता हूँ वो पैकिंग हाउस किस तरह से हमारे यहाँ मिस्त्री लोग तैयार कर रहे हैं उसको। तो आप ये मेरा घर देख सकते हैं और सामने का व्यू कुछ ऐसा। ये अपनी हवेली ग्रीन हाउस। और आप बोलेंगे यार भाई ग्रीन हाउस क्यों, क्योंकि आप जो लोकेशन देख रहे हैं सामने की और घर की छत की, वो सब ग्रीन ही दिख रही है, मतलब हरा भरा सब कुछ। तो मैं बोल सकता हूँ अपना घर ग्रीन हाउस। तो बाकी जो पैकिंग हाउस बन रहा है वो सामने है जहाँ आप देख रहे हैं मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं। तो अभी इन्हीं इनके पास चलते हैं। तो फाइनली आप देख रहे हैं अभी भाई साहब अपने पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। अभी इसे पानी के साथ पूरा मिक्स करके मसाला तैयार किया जाएगा। तो फाइनली सारा बांधने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा पिलर ही है जिसे बांध बूंध कर पूरा तैयार बिम बनाकर इसे सेट किया जा रहा है। अब इसमें फट्टे लगाकर इसके अंदर सीमेंट कंकरी वजरी वो डाल दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना ये जो फट्टे लगाए हुए हैं तो इनको ज़रा सेट करके एंड फिट करके इसके अंदर मसाला डालेंगे ताकि ये फट्टे इधर उधर हिले ना, इसलिए इसके साथ पत्थर डालकर इसे पक्का बांध कर पूरा तैयार कर रहे हैं इसको। तो इसके अंदर अब मसाला ऐड होगा।
फाइनली आप देख रहे हैं मिस्त्री लोग अभी इन बीमों को भर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कमरे तैयार किए जा रहे हैं, पर ये इसे हॉल टाइप में ही बनाया जाएगा, बीच में दीवार नहीं दी जाएगी अभी इसमें, इसे पैकिंग हाउस की तरह मतलब हॉल की तरह लंबा बनाया जाएगा। और ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये सड़क है, और ये जो सामने ना आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये बगीचे हैं अपने, और फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से, सामने बिजली महादेव। इन बीमों को फटाफट भरने के बाद इधर से पत्थर की चढ़ाई दी जाएगी शाम को। तो हमारे वहाँ पत्थर अभी ख़त्म हो गए जितने यहाँ पर थे, तो आज गाड़ी सब्जी मंडी गई है, तो शाम को जब आएगी तो उसमें हम पत्थर ढो के इस दीवार को पूरा करेंगे, जो ये वाली दीवार है जो ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ देख सकते हैं आप 6 पिलर है यहाँ पे, पीछे को पत्थर की दीवार बहुत मोटी आई हुई है। तो फाइनली गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो अभी पैकिंग हाउस तैयार हो रहा है, तो जब ये पूरा बन के तैयार होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है, और अभी तो बन के तैयार हो रहा है, अभी इसमें बहुत काम बाकी है, जब ये पूरा तैयार बन के तैयार होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाकी आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें ऐसे ऐसे और नए ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।